नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब ग्राफ में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में नए मामले कम मिल रहे हैं, तो वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। बात अगर राजधानी रांची की करें तो राजधानी रांची में मंगलवार को 829 मामले सामने आए हैं। पूरे झारखंड में 2519 मामले सामने आए हैं। वहीं बोकारो में 65 मामले सामने आए हैं। चतरा में 75 मामले सामने आए हैं। तो वहीं जमशेदपुर में ईस्ट सिंहभूम में 542 मामले सामने आए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के सुजाता चौक के समक्ष, जहां ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चालू है। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के कोई भी चौक चौराहे से गुजर रहे हैं, उनका मास्क चेक किया जा रहा है, और अगर वो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उनका चालान भी काटा जा रहा है। अब तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि राजधानी रांची के तमाम जितने भी चौक चौराहे हैं, वहाँ पे मास्क चेकिंग अभियान चालू है। हालांकि बात अगर कोरोना की करें तो कुछ राज्यों में जहाँ देर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, तो वहीं रिकवरी रेट थोड़ी धीमी है। अगर एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना है कि सप्ताह भर के भीतर उन राज्यों में भी रिकवरी रेट बढ़ेगी। और आज का सुखद खबर अगर देखा जाए तो सुखद खबर यह है कि ज़्यादा संक्रमण मिलने वाले 9 राज्यों में झारखंड पहले नंबर में है। सोमवार तक की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 2499 नए संक्रमित मिले, जबकि ठीक होने वाले की संख्या इससे करीब दुगुनी रही। इसके साथ ही सोमवार को राज्य में 170.70 रिकवरी रेट के साथ 24 घंटे में 4266 स्वस्थ हुए। इसके बाद दूसरे नंबर में बिहार रहा। यहां 3526 नए केस मिले, जबकि 167.52% रिकवरी रही। वहीं अगर देश की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में मामले बहुत कम देखने को मिले, यहाँ भी रिकवरी रेट बढ़ी है, पर झारखंड की तुलना में काफ़ी कम है। उन्हीं 9 राज्यों में मध्य प्रदेश में सिर्फ 30.21% मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में कोरोना डाउनफॉल की ओर जा रहा है। मंगलवार में सिर्फ 2590 नए संक्रमित मिले, जबकि इससे डेढ़ गुना ज़्यादा यानी कि 3898 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ मंगलवार का रिकवरी रेट 155.05% रहा। जिस तरीके से झारखंड में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, या कह सकते हैं कि 13 जनवरी में 4000 नए मामले सामने आए थे, आज की बात करें तो 2514 मामले सामने आए हैं। तो जिस तरीके से झारखंड में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात एक्सपर्ट की करें तो एक्सपर्ट का साफ तौर पे कहना है कि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक अगर इसी तरह का ग्राफ रहा, यानी कि ग्राफ में गिरावट देखने को मिली, तो कह सकते हैं कि कोरोना पीक पर है। लेकिन पीक कहना भी अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2 से 3 दिन ही हो रहा है कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे, क्योंकि कहते हैं ना 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। और अभी हमें कोरोना से डरने से कुछ नहीं होगा, कोरोना से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, तो हमें अभी भी सतर्क होने की ज़रूरत है और मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।